वेलकम माय ऑल डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूँ शिल्पा सूरी और मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको एक फेस सीरम बनाना सिखाऊंगी जिसे आप घर पर बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए जस्ट आपको 2 मिनट्स लगेंगे और ये फेस सीरम वैसे ही वर्क करेगा जो आपका मार्केट का सीरम वर्क करता है। तो फ्रेंड्स, जो मार्केट से सीरम लेके आते हैं वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं, हर कोई वो अफोर्ड नहीं कर पाता। तो इसीलिए मैं आज आपको ऐसा सीरम बनाना सिखाऊंगी जिसे आप यूज कर सकते हैं जैसे आप मार्केट के सीरम को यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे आप 10 to 15 days अपनी नीड के अकॉर्डिंग बनाइए। ज्यादा देर तक के ये ना बनाइए क्योंकि ये जल्दी ऑक्सीडाइज होने लग जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स, जो मार्केट से सीरम लेके आते हैं वो जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होता, उसमें उन्होंने बहुत सी चीजें ऐड की होती है जो उसे ऑक्सीडाइज होने से बचाता है। तो फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए इसे आप मॉर्निंग में भी यूज कर सकते हैं, इवनिंग में भी यूज कर सकते हैं और एज अ नाइट क्रीम भी यूज कर सकते हैं। और अगर आप इसे एज अ नाइट क्रीम यूज कर रहे हो तो सुबह ही आपको अपनी स्किन बिल्कुल बेबी सॉफ्ट पिंकी सी लगेगी। तो फ्रेंड्स, आप इसे बनाने के लिए जस्ट आपको 4 प्रोडक्ट ही चाहिए। तो पहला जो प्रोडक्ट है वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल के फायदे तो फ्रेंड्स हम सबको पता ही है, ये हमारे स्किन में एज अ प्राइमर भी वर्क करती है और जो हमारे स्किन में पिंपल्स की जो भी प्रॉब्लम होती है उसे भी सॉल्व करती है। और सेकंड है ये रोज वाटर। रोज वाटर से हमारा फेस बिल्कुल ग्लोइंग हो जाता है और हमारा फेस पिंकी से लगने लग जाता है। थर्ड है विटामिन ई के कैप्सूल, इससे भी अगेन हमारा फेस ग्लोइंग हो जाता है। और फोर्थ है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन एज अ हमारे फेस पे मॉइस्चराइजर भी वर्क करती है। तो फ्रेंड्स, इसे मैं आप बताऊंगी कि आपको इसे बनाना कैसे है। तो इसके पहले आप देख लीजिए इसे बनाना कैसे है, फिर इसके बाद मैं आपको अपने फेस पर ये सीरम अप्लाई करके बताऊंगी। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, ये है वो 4 प्रोडक्ट। सबसे पहले हमें एलोवेरा जेल लेनी है। मैंने यहाँ पर 1/2 चम्मच एलोवेरा जेल लिया है। इसके बाद आपको लेना है रोज़ वाटर। रोज़ वाटर आप 1 चम्मच भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने 1 चम्मच रोज़ वाटर मिक्स कर लिया है। अब हमें इसमें ऐड करनी है ग्लिसरीन। आप चाहे तो इसमें एलमंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, बट विंटर्स में एलमंड ऑयल ठीक रहता है। अब समर है तो इसलिए मैंने एलमंड ऑयल यूज़ नहीं किया। अब मैंने इसमें यूज़ करना है विटामिन ई का 1 कैप्सूल। इसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। देखिए अभी इसका कैसे कलर चेंज हो जाएगा। और अभी ये सीरम बिल्कुल रेडी है, ये देखिए गाइस। तब मैं ये सीरम आपको अपने फेस पर अप्लाई करके दिखाती हूँ। जस्ट थोड़ा सा आपने लेना है तो फ्रेंड्स, देखिए इससे मेरा चेहरा कितना ग्लोइंग लग रहा है। आप भी चाहते हैं कि आपका चेहरा ऐसे ही ग्लोइंग लगे तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप भी ये सीरम घर पर बना के देखिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। इससे मुझे ये होगा कि मैं आगे से आपके लिए और भी अच्छी वीडियोज़ बना के लेके आऊँगी। थैंक यू गाइज़। थैंक यू।